सारे भारत के लोग सुने, जो नहीं सुन पाए उनको सुना दिया जाए। कल एक सामूहिक रूप में विश्व वंदनीय हम सबके हृदय सम्राट पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के, पूरा भारत एक साथ कल विनयांजलि सभा देना है। हम सब लोगों ने 25 तारीख निश्चित की है। 25 तारीख के दिन सबके लिए सुबह से कोई गम नहीं मनाना। प्रत्येक व्यक्ति, भारत के प्रत्येक जैनी को अपने दरवाजे 5 दीपक जलाना है घी के। 5 बार शोक नहीं, शोक की बात नहीं है, कोई काली पट्टी नहीं बांधना। अपने यहाँ साधु की समाधि और भगवान का निर्माण, अपन तो रोते इसलिए हैं कि अपने ऊपर जो उनका उपकार हुआ है उनके उपकारों को अपन अब कैसे प्राप्त करेंगे। जो खेद आ रहा है अपन को, मुझे भी आया, किस लिए आया? इसलिए कि उनकी समाधि हो गई? नहीं नहीं नहीं, इसलिए आया कि हमारे ऊपर जो उपकार हो रहा था अब वो उपकार नहीं हो पाएगा। तो महापुरुषों के वियोग में शोक स्वार्थ से आता है, उनके जाने और नहीं जाने का तो खुशी। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर सुबह उठ करके 5 दीपक कम से कम जलावे। 5 दीपक लिए क्योंकि वो पंचाधार के धारी थे, अधिक जलाओ तो 36 दीपक जला सकते हो, क्योंकि वो 36 मूल गुण धारी थे। ये कार्य करना है। अपने अपने मंदिरों में जहाँ भी हो आचार्य परमेष्ठि सच्च एक पूजा करना है आचार्य महाराज की। सभी लोग एक पूजा, कल पूरे भारत के लोग जब मंदिर जाएं, पुरुष बच्चे सब महिलाएं, आचार्य परमेष्ठि की पूजा करना है। पूजन करने के बाद फिर आपको एक सामूहिक बैठक वहीं करना है। सामूहिक बैठक में सुबह भी विनयांजलि अर्पित कर सकते हैं, उस समय भी 36 दीपकों से महाराज का चित्र आदि लगा करके सामूहिक अपना एक औपचारिकता कर सकते हैं। विनयांजलि तो आपको जैसे करना है, जलूस के रूप में आप बढ़िया झंडे लेकर जयकारे लेकर करें, मौन लेकर। कोई शोक में जा रहे हैं क्या? अरे खुशी और आनंद है कि हमारे आचार्य परमेष्ठि एक समाधि का रूप लेकर के कल उसमें रूप में प्राप्त हुए, इसलिए जयकारों के साथ में झंडे आदि लेकर गाजे बाजे के साथ में आप अपने नगर में अपना जलूस निकालना चाहें तो निकालें। जलूस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अपने बैठ करके विनयांजलियाँ और उनके उपकारों का गुणानुवाद करें। उन्होंने जो समाज को दिया है, सुमन संस्कृत को दिया है, उसका हम जितनी ज़्यादा प्रचार कर सकें, आप मीडिया के माध्यम से आपके नगर में जो पेपर निकलते हैं उनमें महाराज जी का गुणानुवाद रूप से जो भी उनके हैं, उनके नाना प्रकार के चित्र हैं, हथकरघा है, प्रतिभा स्थली है, जो भी है उनका एक, आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि पेपरों में कैसे विज्ञापन दिए जाते हैं, कैसे उनका बहुत बड़ा चित्र विज्ञापन के रूप में देवें, पूरे पेपर में महाराज का फोटो आया, अच्छा, बहुत अच्छा, जिससे सारी दुनिया जान सके कि जैनियों के सम्राट दिगंबर जैन मुनि किस रूप में थे और उनका समाधि हुआ। तो इस प्रकार का पेपरों के मीडिया के माध्यम से काम करें और 12 बजे तक कम से कम कल सारे दिगंबर जैनी मंदिरों में पूजा पाठ करें। 36 ही विधान मिल जाए आचार्य परमेष्ठि का, ठीक, नहीं तो पंच परमेष्ठि विधान कर लें। और सभी लोग 12 बजे तक यदि प्रतिष्ठान बंद रखें और उतना समय मंदिर में गुरु की विनयांजलि में निकालें तो सबसे बड़ी विनयांजलि होगी। 12 बजे के बाद फिर आप दुकान खोल लें, बंद में सुबह का टाइम आपका पूजा हो आचार्य श्री की, सामूहिक पूजा करो और फिर विनयांजलि हो ही, फिर उसके बाद आप लोग जाकर के अपने प्रतिष्ठान आदि खोलें तो बहुत अच्छा। कुचित कदाचित यदि आपको सुबह ऐसी स्थिति न बन पाए तो दोपहर में 2 बजे के बाद जो भी आपका समय निश्चित हो उस समय भी आप अपने चौराहों पर, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, वहाँ पर विनयांजलि सभा रख सकते हैं जहाँ आपको सुविधा मिल जाए।
तीसरे नंबर पर यदि दिन में किसी कारण से कोई स्थान का अभाव हो तो रात्रि कालीन में चौराहों के ऊपर किसी प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके, कोई प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके, विधायक, सांसद, नेता, कलेक्टर, कमिश्नर, उनको उसकी मुख्य अतिथि में आप एक सभा रात में भी रख सकते हैं। ये बिनियान जली कल 25 तारीख का पूरे दिन भर का हमने बता दिया। अब आपकी जैसी सुविधा पड़े वैसी करें और बहुत अच्छी तरह बनाएं। और कल दीपक जब जलाओ, हर व्यक्ति अपने घर के सामने आचार परमेष्ठी को ध्यान करते हुए कोई रंगोली डाले, अति उत्तम है।